पास एक प्रश्न है, वो इस समय के विषय से तो नहीं जुड़ा लेकिन मैं जोड़ के जरूर उत्तर दे देता हूं। आजकल हमारे घरों में पेप्सी कोक से भी ज्यादा नूडल्स खाया जा रहा है। पेप्सी कोक कम हुआ है पिछले 2-3 साल में, अच्छा हुआ। नूडल्स खाया जा रहा है, तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है, कचरे में कचरा, तो वो यही है नूडल्स। एक तो मैदे की है, ऊपर से सड़ा हुआ है, 6-7 दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है। और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है, बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता। जो मैगी है ना, मैगी या कोई भी नूडल्स, सुअर के मांस का रस, सड़ा हुआ मैदा 6-6 दिन पुराना, उससे तैयार हुआ है। अब आप तय कर लो खाना है या नहीं खाना। एक प्रश्न है जो होती है, ये भी इनके क्वालिटी का बहुत बड़ा भ्रम है। लोगों को बहुत बड़ा भ्रम ये हो गया है कि विदेशी कंपनियों के माल में क्वालिटी ज्यादा है इसलिए लोग उसे खरीदते हैं। मैं आपको कई विदेशी कंपनियों के माल की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता हूं, जो हमने लेबोरेटरी चेक कराया, कोई क्वालिटी नहीं है उनके माल, घटिया से घटिया क्वालिटी का माल वो बेच रहे हैं। मैं नाम लेके बताऊं, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, टूथपेस्ट बेचती है। मैं लोगों से बहुत बार पूछता हूं, आप कॉलगेट का टूथपेस्ट क्यों करते हैं, तो सब एक ही स्वर में कहते हैं इसमें क्वालिटी है। तो फिर मैं पूछता हूं, अच्छा क्या क्वालिटी है, तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो फिर मैं कहता हूं, झाग तो रिन में भी बनता है, एरियल में भी बनता है, झाग तो शेविंग क्रीम में सबसे ज्यादा बनता है, तो शेविंग क्रीम से ही दांत साफ कर लिया करो अगर झाग ही चाहिए तुम्हें। ये पढ़े लिखे मूर्खों के उत्तर हैं, बिना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा उत्तर नहीं देगा। जो एजुकेटेड इडियट है वो इस तरह का। और ये उत्तर मुझे पता है कहाँ मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक लेक्चर कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में, वहां के एक प्रोफेसर ने उत्तर दिया कि जी कॉलगेट में बहुत अच्छी क्वालिटी है, झाग बहुत बनता है। तो मैंने कहा, प्रोफेसर साहब आप डेंटल क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते, शेविंग क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते, एरियल से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते, सबसे ज्यादा झाग तो उसी में बनता है। तो एकदम चुप प्रोफेसर। फिर उसने मुझे कहा, अच्छा आप ही बताइए क्वालिटी क्या होती है। मैंने कहा, प्रोफेसर साहब आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होके अगर ये नहीं जानते कि क्वालिटी क्या होती है तो क्यों चिल्लाते हैं कि ये क्वालिटी होती है। जब मालूम ही नहीं है तो कहो ना, हमको नहीं मालूम क्वालिटी क्या होती है, हम तो विज्ञापन देख के ये सामान खरीद लाते हैं। मैंने उनको समझाया कि कॉलगेट टूथपेस्ट बनता किस चीज से है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये समझने की बात है। तो उनका हाँ बताइए, तो मैंने उनको बताया, वो मैथमेटिक्स के थे, थोड़ा केमिस्ट्री भी जानते थे। केमिस्ट्री में एक केमिकल होता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, उससे कॉलगेट बनता है, क्योंकि सोडियम लॉरेल सल्फेट डाले बिना किसी भी टूथपेस्ट में झाग पैदा नहीं हो सकता। और सोडियम लॉरेल सल्फेट का आप देख लीजिए, आप में से थोड़े भी केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग हैं तो केमिस्ट्री की डिक्शनरी में सोडियम लॉरेल सल्फेट देखिए, उसके सामने लिखा हुआ है पॉइजन, जहर है। 0.05 मिलीग्राम मात्रा में शरीर में चला जाए तो कैंसर कर देता है, और वो कॉलगेट में भरपूर मात्रा में मिलाया जाता है। और आपको एक जानकारी दूं, अमेरिका और यूरोप के देशों में कॉलगेट जब बेचा जाता है ना, तो उस पर अंग्रेजी भाषा में चेतावनी लिखनी पड़ती है कॉलगेट के पेस्ट पर। जैसे भारत में सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है ना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे अमेरिका और यूरोप में कॉलगेट के डिब्बे पर लिखा रहता है कॉलगेट करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। लिखते अंग्रेजी में है, मैं बताता हूं वो क्या लिखते हैं। वो 3 वाक्य लिखते हैं, पहला लिखते हैं कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दूसरा वाक्य लिखते हैं, प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, माने 6 साल से कम उम्र के बच्चे को ये पेस्ट नहीं देना। क्यों? बच्चे चाट लेते हैं उसको और उसमें कैंसर करने वाला केमिकल है, इसलिए कहते हैं बच्चों को नहीं देना ये टूथपेस्ट। फिर आगे के सेंटेंस में लिखते हैं, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से किसी बच्चे ने कॉलगेट कर लिया तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना उसको, इतना खतरनाक है। और तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज, मतलब क्या है, अगर आप बड़े आदमी हैं
तो अपने ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में चने या मटर के दाने से आधी मात्रा में ही कॉलगेट लेना, क्योंकि कार्सिनोजेनिक है।